अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह हमारी थी योगा क्लास कॉलेज में, तो हम सुबह पहुंच गए थे अपने लोअर टी शर्ट पहनकर। और आज कॉलेज के बाद ही डायरेक्टली हम चले गए थे अपने घर। तो स्टेशन पे पापा मुझे लेने आ गए थे। घर पहुंचने के बाद फिर मैंने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के मैंने योगा किया, क्योंकि आज मैं घर आ गई थी तो मेरा योगा मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने घर पे योगा किया था। फाइनली ये लग गई यहाँ पे है, इतने दिन से रखी थी। ठीक है। तो खाना खाने के बाद हम लोग गए थे छत पर। मौसम बहुत अच्छा था तो मम्मी और मैंने सोचा कि चलो छत पे चलते हैं, वॉक करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे टुकड़ों में गए थे, पहले ऊपर गए थे। यहाँ अमन की सेफ से मैंने कुछ उसकी दो तीन टी शर्ट्स निकाल ली थी बरेली ले जाने के लिए योगा के लिए। और उसके बाद फिर हम ऊपर गए थे तो गार्डन एरिया में चले गए थे पहले, थोड़ी देर हम वहाँ बैठे थे। फिर उसके बाद फिर हम लोग छत पर चले गए थे और वहाँ थोड़ी देर वॉक किया था। उसके बाद फिर नीचे चले गए थे। फिर नीचे आने के बाद मेरा मन हुआ था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने अपनी स्टाइल की सिंपल सी कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिया एक ग्राइंडिंग जार, उसमें ली थी आधा चम्मच कॉफ़ी और दो चम्मच चीनी। उसके बाद फिर मैंने लिया था एक ग्लास दूध, इनफैक्ट एक ग्लास से थोड़ा कम ही लिया था क्योंकि आइस क्यूब डालने के बाद ये पूरा ग्लास भर ही जाता है। तो एक ग्लास से थोड़ा सा कम मैंने लिया था इसमें दूध, और इसी दूध की फ्रेश मलाई मैंने ली थी आधा चम्मच, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी होती है, एकदम गाढ़ी और झागदार कॉफ़ी बनती है। तो बस उसके बाद फिर मैंने डाले इसमें आइस क्यूब और अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। उसके बाद मैं यहाँ पे ये ग्लास ले लूँगी और इसमें ये चॉकलेट सिरप लूँगी, जिससे मैं चारों तरफ इसमें साइड में ऐसे डिज़ाइन सा बना लूँगी जो लुक भी बहुत अच्छा देता है, और फिर इसका चॉकलेट सिरप का पूरी कॉफ़ी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद जो ग्राइंड की थी मैंने कॉफ़ी, वो मैं इसमें डाल दूँगी, सर्व कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी बढ़िया सी टेस्टी झागदार कॉफ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, जो और टेस्ट को बढ़ा देगा इसको। तो फिर मैं ऊपर से ये चॉकलेट सिरप डाल के इसको पूरी तरह तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये कॉफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत आसानी से बन गई। सब कुछ एक साथ डाल दो ग्राइंडर में और उसको ग्राइंड कर लो। तो आपका मन हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ इस कॉफ़ी को पीने के लिए। तो यहाँ कॉफ़ी पी ली थी मैंने, अब बस मैंने ब्रश किया था, उसके बाद फिर मैं जा रही थी सोने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।